दोस्तों जयंत, मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं सर, ट्रेनिंग सेंटर बहरोर कैसा है, बड़वा कैसा है, या मुंडली कैसा है, अराकोनम कैसा है। तो देखो, या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हो, देवली हो, ठीक है, भिलाई हो, तो सभी ट्रेनिंग सेंटर अच्छा ही है, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। सभी में जो कैंटीन की फैसिलिटीज़ है वो सभी में मिलेगा आपको, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है और वहाँ पे ही सब कुछ, यूनिफॉर्म वगैरह मतलब बाहर मिल जाएगा सिलवाने के लिए, मतलब टेलर वगैरह भी बहुत बढ़िया, सब कुछ सुविधा रहेगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक भाई है मेरे से पूछ रहा था कि सर, मिड टर्म में ये यूनिफॉर्म फुल पूरा सिलवा के पहन के जा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल जा सकते हो आप। ऐसा करना, मिड टर्म से पहले जब भी, मतलब अभी मिड टर्म से पहले मतलब 10 दिन पहले नहीं, मिड टर्म से पहले मान के चलो आप 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले, जब भी आउट पास मिले, क्योंकि शरीर पहले जब जाओगे तो शरीर पहले जैसा मोटा था तो पतला थोड़ा होगे, वजन कम होगा, अगर बहुत पतले दुबले थे तो थोड़ा वजन बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो अगर जब बाहर आउट पास मिले मौका, तभी क्या करना, सबसे पहले यूनिफॉर्म एक दे देना सिलवाने के लिए, ठीक है, बढ़िया सा। उसके बाद सब कुछ ले लेना, बेल्ट वगैरह, शूज़ वगैरह, और जब भी मिड टर्म के बाद अब जाओ, जब छुट्टी, तो या तो अगर उससे पहले मिल जाए, लेने का मौका मिल जाए तो ले लेना, और अगर ना मौका मिले तो आप बाहर लेके जा सकते हो, बाद में पहन सकते हो, ठीक है। बिल्कुल कोई बिल्कुल मनाही नहीं है इसके लिए। और रही बात ट्रेनिंग सेंटर की, तो ट्रेनिंग सेंटर में सब कुछ मिलता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलता है। बस खाने पीने का थोड़ा ले जाना, जैसे ऊर्जा वाला चीज़, जैसे घी है या मूँगफली, बादाम, चना, ये सब ले जाना शुरुआत में ही। ये सब मतलब सब कुछ मिलता है वहाँ पे, ये सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, और बढ़िया ही दाम पे मिलेगा, बाहर से सस्ता ही मिलेगा। लेकिन शुरुआत में जब तक आप जाओगे, तब तक कुछ दिन आपको बाहर निकलने से रोका जाएगा, हो सकता है, ठीक है, और थोड़ा बिजी रहोगे, थोड़ा बिजी शेड्यूल में क्या, कुछ कुछ काम करने का मतलब नहीं मौका मिलेगा, तो तब तक आप क्या क्या खाओगे, ऐसे कैसे रहोगे, ठीक है। मतलब खाने के लिए तो आपको खाना मिलेगा वहाँ पे, दम भर खाना मिलेगा, परेशान मत हो, ठीक है। नाश्ते में थोड़ा कम मिल सकता है, कम मतलब पर्याप्त मिलेगा, लेकिन कैंटीन में सब कुछ मिलेगा, ठीक है, घी भी मिलेगा, लड्डू भी मिलेगा, बर्फी भी मिलेगा, काजू, बादाम, चना, मूँगफली, मूँग, हरा मूँग, मतलब सब कुछ मिलेगा। तेल भी लगाना है वो भी मिलेगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर, कैंटीन में आयरन मिलेगा क्या इस्त्री? तो देखो, इस्त्री करने के लिए भी आयरन मिलेगा और बाहर के तुलना में सस्ता ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा निक्कर वगैरह सब कुछ मिलेगा, तो कुछ बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अच्छा रेट में सब कुछ मिलेगा। कुछ अगर नहीं लेके जाते हो तो पेमेंट आने के बाद भी आप ले सकते हो। जैसे CISF में मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले भी बताया है कि 40 दिन के आसपास के बाद पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप 15 अक्टूबर को ज्वाइन करोगे तो अक्टूबर नवंबर लास्ट में कुछ पेमेंट आ जाएगा, ठीक है, एक महीने का ही सही, लेकिन आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आ पाया, किसी भी सूरत में अगर नहीं आ पाया मान लो, तो दिसंबर लास्ट में तो पक्का आपकी सैलरी जो है वो कंफर्म आएगी ही आएगी, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तब भी आप कुछ भी जो मर्जी चाहे खरीद लो फिर, ठीक है, कुछ भी खरीदते रहो, अपने पे खर्च करना जरूर खाने पीने के लिए, जितना खाओगे उतना ही चलोगे वहाँ पे, ठीक है। तो जाइए ट्रेनिंग सेंटर, कुछ लोग पहुँच भी गए हैं CRPF के, ठीक है, तो मजे लो, बड़ा बहुत मज़ा आने वाला है अभी, ठीक है। ग्रुप में सभी के साथ रहोगे, ऐसे जैसे पिकनिक में आते हैं ना वैसे रहोगे पूरे एक साल, बहुत मज़ा आएगा, और जितना आप मज़ा ले सकोगे उतना खूब मज़ा बटोरिए, पूरी ज़िंदगी इसको याद करते रहोगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सब कुछ मिलता है, ठीक है, पेमेंट आने के बाद वहाँ आप खरीद सकते हो, बाकी जो मर्ज़ी चाहे आप लेके जा सकते हो, ठीक है, धन्यवाद।